बिहार में जातिगत गणना पर नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार की जल्द सुनवाई की अपील को खारिज कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पहले से तय तारीख 3 जुलाई को ही होगी। नीतीश सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट में इंट्रोलॉकेटरी एप्लीकेशन दायर की गई थी। अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया है। बता दें कि बीते 4 मई को हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर बिहार में जातिगत गणना पर रोक लगा दी थी और ऐसे में बिहार सरकार की ओर से पटना हाई कोर्ट में इंट्रोलॉकेटरी एप्लीकेशन दायर की गई थी और उसके बाद आज सुनवाई होने वाली थी इस मामले को लेकर। अब एक झटका एक बार फिर से नीतीश सरकार को मिला है पटना हाईकोर्ट से। अब इस पर सुनवाई 3 जुलाई को होनी है। सर आज क्या फैसला आया है हाईकोर्ट के अंदर से जो सुनवाई हुई थी जाति जनगणना को लेकर, उस पर क्या फैसला आया? पटना हाईकोर्ट ने जो आवेदन बिहार सरकार का दिया गया था कि आगे सुनवाई की जाए 3 जुलाई 2023 से तिथि को पूर्व निर्धारित कर दी जाए, आगे डेट फिक्स किया जाए, उसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ये कहते हुए कि हमने कोई मेरिट पर डिसाइड नहीं किया है और वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार हम 3 दिन में सुनाई करके अंतरिम ऑर्डर पारित किए हैं और उसमें सरकार को कहने का पूरा मौका मिला था। तीन जुलाई को ही होगी। सरकार की तरफ से जो याचिका डाली गई थी उसे आज कोर्ट ने पूरी तरीके से रिजेक्ट किया। सरकार ने यह भी कहा कि अगर हमको मौका दिया जाए, हमको कास्ट बेस सर्वे करने दिया जाए, हम डाटा लीक नहीं करेंगे। इस प्रार्थना को भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दिया कि इसका मतलब होगा कि हम हाईकोर्ट का पहले का आदेश को रिव्यू कर रहे हैं। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पिछले गुरुवार यानी कि 4 मई को जाति आधारित गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसे नष्ट नहीं किया जाए। मामले पर कोर्ट ने अगली सुनवाई पहले 3 जुलाई की तारीख फिक्स की थी। जाति आधारित गणना का काम 80% पूरा कर लिया गया है, लेकिन उसे 100% करने के लिए और समय की जरूरत है। ऑफलाइन का काम करीब करीब पूरा हो चुका है, बाकी आंकड़े को ऑनलाइन कलेक्ट करना है। 7 जनवरी से शुरू हुई गणना 15 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कैबिनेट से पूरी गणना पर 500 करोड़ खर्च करने की मुहर लगी है, लेकिन इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया है। बता दें कि 7 जनवरी से जातीय गणना शुरू हुई, 15 अप्रैल से इसके दूसरे फेज की शुरुआत हुई, 21 अप्रैल को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा, हाईकोर्ट ने 2 और 3 मई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा, 4 मई को बिहार में जातीय गणना पर रोक लगा दी गई।